हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचपीडीसी एंड सीएनसी सॉल्यूशन में। दोस्तों देखिए, मेरे हाथ में एक टाइमर है। ऐसे टाइमर आपने विभिन्न विभिन्न जगहों पर लगे देखे होंगे, तो आपके दिमाग में दोस्तों ख्याल आया होगा कि यार ये टाइमर कितने प्रकार के होते हैं। आज इसी के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे कि यार ये आखिर टाइमर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रिक टाइमर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक टाइमर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रिक टाइमर एक समय का स्विच है जो समय यंत्र द्वारा नियंत्रित एक इलेक्ट्रिक स्विच को संचालित करता है। मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि ये समय के साथ ऑन ऑफ का काम करता है, और हम जो कमांड इसको देंगे ऑन की या ऑफ की, उस हिसाब से ये इसको ऑपरेट करेगा। ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये मुख्यतः दोस्तों चार प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है आपका मैकेनिकल टाइमर, या मैनुअल या एनालॉग टाइमर भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इस टाइमर के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए, मैकेनिकल टाइमर क्या होता है, मैनुअल और एनालॉग टाइमर घड़ी को सेट करने का काम करते हैं। मतलब इसमें एक घड़ी होती है, इसको हमें सेट कर दिया जाता है, तो इसका काम करते हैं। ये देखिए चित्र में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इस टाइप के टाइमर दोस्तों आपने बाउंड्री लाइटों में, स्टार डेल्टा में सबसे ज़्यादा ये यूज होते हैं, जो कम समय और अधिक समय के लिए होते हैं। हमारे कई जगहों पर देखे होंगे आपने, काफ़ी सोचा भी होगा कि यार ये टाइमर तो अलग अलग टाइप के हैं। बाउंड्री की लाइटों में सबसे ज़्यादा इनका यूज होता है, पंखों में, हॉट टब में, ऐसी चीज़ों में इन चीज़ों का यूज होता है दोस्तों। तो आगे देखिए आप इन टाइमर, इस टाइमर में दोस्तों हम 24 घंटे की समय अवधि को अलग अलग समय में बांट सकते हैं, या अलग अलग तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 24 घंटे में हमें 10 मिनट या 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे अगर यूज करना हो तो उस हिसाब से भी हम यूज कर सकते हैं। इस टाइप के भी टाइमर आते हैं। कुछ टाइमर दोस्तों इसमें आते हैं जो ऑपरेटिंग समय में 3 सेकेंड से 60 मिनट तक काम करते हैं। देखिए, मेरे पास एक टाइमर है, ये ऑपरेटिंग समय में 3 सेकेंड से 60 मिनट तक काम करेगा सिर्फ। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इन टाइमरों को वैसे का हम यूज करने वाले हैं, स्टार डेल्टा वगैरह हम यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमें बढ़िया एक्यूरेसी मिलती है। और ये टाइमर दोस्तों देखिए काफ़ी बढ़िया है, इनमें कोई दिक्कत है नहीं, काफ़ी विश्वसनीय और टिकाऊ टाइमर होते हैं। इनका ज़्यादातर यूज होता है दोस्तों स्टार डेल्टा में, छत के पंखों में, बाथरूम में, हॉट टब में, स्विमिंग पूल में, या स्ट्रीट लाइट में, इन चीज़ों में इनका यूज किया जाता है। अब दोस्तों दूसरा है हमारा टाइमर, ये देखिए डिजिटल टाइमर जिसको हम बोलते हैं, और प्रोग्राम और स्मार्ट दोनों चीज़ें इसमें अवेलेबल है। प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं, और ये स्मार्ट है काफ़ी। स्मार्ट इसलिए है कि जो एनालॉग टाइमर है दोस्तों, उसमें हम वीकली डिसाइड नहीं कर पाते हैं। देखिए इस प्रकार के भी आते हैं, वीक को डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन इस टाइमर में हम वीक को भी डिसाइड कर सकते हैं। हम इसका वीकली प्लान कर सकते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूजडे या सैटरडे को हमें ऑफ रखना है, या संडे को हमें ऑफ रखना है तो ये ऑफ रहेगा। इस प्रकार का भी इसमें प्लान आता है। आप सप्ताह के 7ों दिन भी यूज कर सकते हैं, या अलग अलग। यह टाइमर जो होता है, यह प्रोग्राम करने योग्य टाइमर है। इसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। इस टाइमर में आप 24 घंटे की अवधि को कई बार बंद या चालू कर सकते हैं। मतलब 24 घंटे में हम बार बार इसको बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। इस टाइमर को हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि 7 दिन की समय सारणी में विभाजित कर सकते हैं। 7 दिन में हम इसको बांट सकते हैं, जो हमें 7 दिन में अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के बदलाव कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर हम इसको देखिए, अलग अलग टाइप के आते हैं, और अलग अलग तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। इन टाइमरों को हम चालू बंद करने के लिए रिमोट कंट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिमोट द्वारा संचालित आते हैं, और आवाज़ द्वारा संचालित भी आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा टाइमर है, एस्ट्रोनॉमिक टाइमर। दोस्तों देखिए, 3 नंबर पे हमारा एस्ट्रोनॉमिक टाइमर है। एस्ट्रोनॉमिक टाइमर डिजिटल टाइमर का स्वरूप है, मतलब जो मेरे हाथ में टाइमर है इसी का स्वरूप है एस्ट्रोनॉमिक टाइमर। लेकिन यह टाइमर में बनाए गए प्रोग्राम के अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना करता है। मतलब इसमें एक प्रोग्राम डाल दिया जाता है, ये ऑटो में सूर्य किस टाइम उदय होगा, किस टाइम में बंद होगा, उसकी गणना करेगा ये। देखिए आप जैसा देख पा रहे थे चित्र में, ये देखिए ये इस प्रकार का भी आता है। यह एक अलग प्रोटोकॉल डिवाइस का बना हुआ होता है,
जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को संयोजित करता है, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को देख लेता है ये अपने आप, इसमें हमें अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। जो डिजिटल टाइमर था उसमें यह है कि हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त का हमें खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में सूर्योदय जल्दी होता है तो उस समय इसको चेंज करना पड़ जाता है। और ये रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित भी दोस्तों आता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल टाइमर जो होता है इसकी, प्रोटोकॉल टाइमर को दोस्तों खगोल विज्ञान टाइमर भी बोला जाता है। इसको खगोल वैज्ञानिक बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं दोस्तों। और इस टाइमर की खास बात यह है कि ये रात के समय में जो प्रकाश होता है उसमें अधिक सही तरीके से काम करता है और प्रकाश को इकट्ठा करके उस प्रकाश से ही काम करता है दोस्तों। यह टाइमर दिन की अधिक रोशनी में कार्य नहीं कर पाता है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि हमारे टाइमर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। आगे भी हमारे इस बारे में जानकारी के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।